वक्र में चैनल एवरेज में ट्रेडेड। तो देखिए निफ्टी में यहाँ पे बॉटम बना था पर वी वैप बहुत पास था इसलिए मैंने पोजीशन नहीं बनाई। पर अब देखिए अब ये जो है ना वी वैप और 200 ईएमए के बीच में है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे बाय बना था, अब यहीं पे एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क जो है इस ट्रेड में लेने वाला हूँ। हम लोग जो है अब मैं क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, मैं करीबन यहाँ पे 3 लॉट के साथ, सबसे पहले हम लोग जो है 3 लॉट के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है तो मैंने जो है यहाँ पे पोजीशन बना ली है। मैंने लॉजिक बता दिया कि देखिए यहाँ पे बाय पर जरूर बना था पर बाय बनने के बाद वीवैप बहुत पास था इसलिए मैंने पोजीशन नहीं बनाई। बट अब थोड़ा से 200 EMA के सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर थोड़ा भी और नीचे आएगा ना तो मैं थोड़ा और एवरेज कर दूंगा और उसके बाद जो है 200 EMA के नीचे क्लोज होने पे मैं जो है इस ट्रेड में एसएल ले लूँगा, ठीक है। तो इसके नीचे आने पे एक बार एवरेज करेंगे और उसके बाद हम लोग 20 पॉइंट का जो है इसमें एसएल ले लेंगे। बाकी ये सही जगह है, यही से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यही से मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यहाँ से हम लोग जो है 30-30 पॉइंट का एसएल रख देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ओके। और टारगेट जो है ऊपर रखेंगे वीवैप के ऊपर का। और एवरेज कहाँ पे करेंगे हम लोग, एवरेज अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो मैं एवरेज करूँगा, नहीं तो 3 लॉट के साथ हम लोग जो है स्ट्रेट में बने रहेंगे टारगेट 1-2 के लिए, ठीक है। टारगेट मैक्सिमम देखिए हमें टारगेट 2 यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि यहीं पे सेलर जो है ऐड हुए, तो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग जो है टारगेट 2 के लिए यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपको लॉजिक क्या है कि मार्केट में बॉटम तो बना था बट वीवैप बहुत पास था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया कि थोड़ा सा बायस ट्रैप क्रिएट हो, उसके बाद मार्केट नीचे आए, नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे अपना ऑर्डर जो है रेडी रखते हैं और मैं थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। 138 पे हम लोग फिर से थोड़ा सा एवरेज कर लेंगे, ओके। यहाँ पे आने के बाद एवरेज करेंगे जिससे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लॉस चलता है, देखिए हर एक ट्रेड जो भी ट्रेड लोगे आप उसमें पहले आपको लॉस ही दिखेगा, उसके बाद आपको जाके प्रॉफिट दिखने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना है कैसे हमें जो है ट्रेड को मैनेज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ से हम लोग जो है मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे आएगा तो एवरेज हो जाएगा और उसके नीचे मैंने एसएल लगा दिया है कि अगर उससे भी नीचे चला जाएगा तो हमारा जो है सीजीली थोड़ा सा एसएल जो है इस ट्रेड में हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, मुझे ये जगह बहुत सही लग रही है कि और थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम एवरेजिंग कर पाएंगे इसके अंदर, ओके। देखिए 300 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो और टारगेट हमें मिलेगा, ठीक है। 400 रुपये का प्रॉफिट बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉजिक के साथ अगर ट्रेड बनाया जाए तो जरूर सक्सेसफुल होता है, ओके। 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अभी जाना चाहिए ऊपर, इसका ब्रेकआउट होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, ओके। 400 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। 450 रुपीज़ का प्रॉफिट ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर का, ठीक है। 100 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट, 1100 रुपये का प्रॉफिट, ये देखिए कितने अच्छे से हम लोग जो है ट्रेड को प्लान करते हैं और कैसे मार्केट में प्रॉफिट निकाला जाता है ये सीखने की बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है, ओके। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है और हमें जो है अच्छे से प्लान करना पड़ता है तभी देखिए मार्केट में हम लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मार्केट देखे फिर से ट्रेंड लाइन निकालने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी इसने 1, 2, 3, 4 बार ये 5वीं बार जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बार मार्केट निकलना चाहिए। 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है, हमें टारगेट चाहिए ये वीवैप तक और ये वीवैप तक, ठीक है। 5000 से लेके 1500 रुपये का प्रॉफिट जो है हमें इस ट्रेड में चाहिए, हमने कब से ट्रेड को होल्ड किया है।
तो इस बार जो है ऊपर की तरफ निकलना चाहिए मार्केट, हमें जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है, वी वैप तक जाना चाहिए। ओके, ये फिर से यहीं से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस बार ब्रेकआउट कर देना चाहिए, 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जाना चाहिए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा वेट करते। ठीक है, अभी रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है। ठीक है, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल रहा है, 1100 1200, बहुत अच्छे, 1300 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 1400 रुपये का प्रॉफिट, 1500 चाहिए था हमें। ठीक है, 1500 का टारगेट चाहिए था, मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, अभी अच्छे से हम लोग जो है ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर इसको यहाँ तक देखिए वी वैप तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, वी वैप के पास आने के बाद मैं जो है अपना प्रॉफिट बुक करूँगा इस ट्रेड में। ठीक है, ये वी वैप वाला टारगेट हमें चाहिए, वी वैप पे जाने पर ही हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, 1400 का प्रॉफिट, बहुत अच्छा, 1700 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया निकल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, 1700 1800, बहुत अच्छे निकल रहा है, 1800 का प्रॉफिट चल रहा है, 1900, 2000 रुपये का प्रॉफिट, 2600 का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, करीबन यहाँ पे 2700 रुपये का प्रॉफिट जो है मैंने बुक किया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जो है प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ओके, धन में जाएंगे हम लोग, तो आप लोग देख सकते हो जैसे ये स्पाइक ऊपर तक गया था मैंने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया, और करीबन 2700 रुपये का प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में बुक किया है। तो मैंने 154 पे ये जो बनाई थी एंट्री और 190 पे मैंने काटा है, तो आप समझ लीजिए 35 पॉइंट का टारगेट जो है इस ट्रेड में मैंने बुक किया है। ठीक है, तो ये है सुपर अल्गो सेटअप इंडिकेटर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो।